हमारी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका वेलकम करते हैं। इंसान की हमेशा से ये जुस्तजू रही है कि आया इस कायनात में ज़मीन के अलावा कहीं और किसी दूसरे सैयारे पर इंसान आबाद हैं या नहीं। एक वक्त था जब यूरोपियंस बड़े बड़े मीनार बनाकर आसमान छूने की कोशिश किया करते थे। इनको लगता था कि जैसे ये नीला आसमान थोड़ा सा ही ऊपर है और हम किसी चीज़ पर चढ़कर आसमान को छू सकते हैं, ना सिर्फ उस पार देख सकते हैं बल्कि ऊपर बैठे खुदा से भी मिल सकते हैं। ये अपने आप में एक वसी मौजू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। गुजरते वक्त के साथ जैसे जैसे इंसानों पर कायनात की वसत आश्कार होती चली गई और उसे इस हकीकत का अंदाज़ा हुआ कि खुद इंसान तो छोड़ें बल्कि जिस बड़े घर यानी कुर्रे अर्ज में वो रह रहे हैं वो भी इस कायनात में एक नुक्ते के भी हजारवें हिस्से से कम है, तब से इंसान की जस्तजू में मजीद इजाफा होता चला गया। कायनात की वसत ने इन सवालात को मजीद तकवीत दी है कि ये हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ इंसान आबाद हों। ज़मीन से बाहर जिंदगियों की तलाश की ख्वाहिश का पहला ठोस कदम उठाया गया 1977 में, जब नासा ने दो खलाई जहाज वॉयजर 1 और 2 फिजा में भेजे और मिशन का नाम रखा गया वॉयजर इंटरस्टेलर मिशन या VIM। इन दोनों खलाई जहाज़ों को फिजा में मुख्तलिफ सिमतों में छोड़ा गया है और इनका काम न सिर्फ निज़ाम शमसी के बाहर की दुनिया के बारे में मालूमात इकट्ठी करके ज़मीन को भेजना है बल्कि कायनात में किसी भी मुमकिन ज़िंदगी को ढूंढ निकालना भी है। वॉयजर्स तेज़ी से ज़मीन से दूर होते हुए फिजा में चलते चले जा रहे हैं और नामालूम कब तक और कहाँ तक पहुँच पाएँ। इन वॉयजर्स को कैसे डिज़ाइन किया गया है और इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, आज हम आपको इसी के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। ये खलाई जहाज़ 34 साल बाद यानी 2012 में अभी सिर्फ निज़ाम शमसी को पार करने में कामयाब रहे हैं। आज तक की तारीख की अगर बात करें तो इन स्पेस प्रोब्स या खलाई जहाज़ों को खला में सफ़र पर निकले हुए तकरीबन 45 साल का अरसा और इसका ज़मीन से फासला तकरीबन 24 बिलियन किलोमीटर्स हो चुका है। इस फासले में हर घंटा 61,000 किलोमीटर का इजाफा होता जा रहा है। वॉयजर्स में सबसे अनोखी बात है इनमें मौजूद गोल्डन रिकॉर्ड्स। ये हैं 12-12 इंच के दो प्लेट्स या डिस्क्स जो कि एल्यूमिनियम और तांबे से बने हुए हैं। इन डिस्क्स को मजीद महफूज बनाने के लिए इन पर सोने का वरक चढ़ाया गया है। इन प्लेट्स में इंसान से मुतल्लिक मालूमात दर्ज हैं ताकि अगर कायनात के किसी हिस्से में किसी जानदार की इन वॉयजर्स तक रसाई हो पाए तो वो ये जान सकें कि इस मखसूस एड्रेस पर जानदार आबाद हैं जिसका नाम है इंसान। गोल्डन रिकॉर्ड्स में इंसानों की पहचान और इस मखसूस क्रिएचर को समझाने के लिए मवाद मुहैया किया गया है। इन मटेरियल के चार हिस्से हैं। पहला हिस्सा तस्वीरों पर मुश्तमिल है जिसमें एक बच्चे को दूध पिलाती माँ, दौड़ते हुए स्पोर्ट्समैन, घर बनाते मेमार, रियाजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हवाई जहाज़ वगैरह से लेकर हर चीज़ की तस्वीर मौजूद हैं। दूसरा हिस्सा म्यूज़िक पर मुश्तमिल है जिसमें ईस्ट और वेस्ट से हर तरह की म्यूज़िक को शामिल किया गया है। तीसरा हिस्सा मुख्तलिफ तरह की आवाज़ों पर मुश्तमिल है जिसमें हैवानात से लेकर मशीनरीज तक तमाम तरह की आवाज़ों को रखा गया है। गोल्डन रिकॉर्ड्स के चौथे हिस्से में दुनिया की सारी बड़ी ज़बानों में ग्रीटिंग्स यानी नेक तमन्नाएँ लिखी गई हैं।
जमीन का एड्रेस और जमीन से या इंसानों से रابطہ करने का तरीका भी गोल्डन रिकॉर्ड्स में मौजूद है, ताकि अगर किसी क्रिएचर को हम तक पहुंचना हो तो वो आसानी से पहुंच सके। वॉयजर एक सेकंड में 17 किलोमीटर का फासला तय करता है। अगरचे उसका जमीन से फासला कोई मामूली डिस्टेंस नहीं है, मगर उसका राबता अब तक जमीन के साथ बरकरार है। सोचने की बात यह है कि वॉयजर तो आगे ही बढ़ता जा रहा है, तो आखिर कब तक ये जमीन से राबते में रह पाएगा? वॉयजर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वॉयजर जमीन में मौजूद नासा के मखसूस एंटीना से मुंसलिक हैं। ये एंटीना फिजा में सिग्नल भेजते हैं जो कि 20 घंटे के बाद वॉयजर तक पहुंचते हैं। कंपैरिजन के लिए समझाना जरूरी है कि जमीन से मरीख में मौजूद नासा के मार्स रोवर या मरीख की गाड़ी से राबता 15 मिनट में हो जाता है। जमीन से सिग्नल मिलने के बाद वॉयजर जवाबी सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल बहुत वीक होते हैं और बमुश्किल ही काबिले फहम होते हैं, मगर नासा के पास इस तरह के वसाइल मौजूद हैं जो कि हर तरह के सिग्नल्स को कैच कर लेते हैं। नासा ने दुनिया के 3 मुख्तलिफ मकामात पर ताकतवर तरीन एंटीना नस्ब किए हैं। इनमें से एक अमरीका ही के कैलिफोर्निया में, दूसरा स्पेन के शहर मैड्रिड में और तीसरा ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबेरा में नस्ब हैं। ये देव हैकल एंटीना हर तरह के सिग्नल को पकड़ सकते हैं और दिन रात वॉयजर से सिग्नल मौसूल करने की खोज में रहते हैं। चूंकि वॉयजर जमीन से दूर तर होता जा रहा है, इसलिए उसका जमीन के साथ राबता आइंदा 10 साल तक ही रह पाएगा। इसके बाद उसका राबता मुनकता हो जाएगा, मगर उसका सफर जारी वसारी रहेगा और इसमें मौजूद मालूमात महफूज रहेंगी। आप सोच रहे होंगे कि वॉयजर के अंदर कौन सा मैकेनिज्म मौजूद है जिससे उसकी मशीनरी अभी तक यानी 45 साल गुजरने के बाद भी ऑन है। वॉयजर के अंदर एटॉमिक एनर्जी से चलने वाला एक जनरेटर है। वॉयजर के अंदर एनर्जी की यूजेज बहुत कम है, क्योंकि खुद वॉयजर को आगे बढ़ने या चलने के लिए किसी इंटरनल एनर्जी की जरूरत नहीं है। एनर्जी की यूजेज सिर्फ तस्वीरें बनाने और सिग्नल भेजने के लिए है। एटमी एनर्जी से एक बड़े वॉरशिप को चलाने के लिए इसमें मौजूद एटॉमिक फ्यूल 30 साल के लिए काफी होता है, मगर वॉयजर के लिए ये नाकाफी है क्योंकि ये 45 साल से ट्रेवलिंग की हालत में है। इसकी एनर्जी का अब सिर्फ 250 वॉट बाकी रह गया है। इस खलाई जहाज को साल में 4 वॉट एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, ये एनर्जी सिर्फ जमीन से राबते के लिए रखा गया है। खुद खलाई जहाज निजाम शमसी की मदद से आगे बढ़ता जा रहा है। चूंकि फिजा में कोई ग्रेविटी या फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, इसलिए वॉयजर की स्पीड को रोकने या कम करने में कोई चीज माने नहीं है। इस वजह से जब फासला इंतहाई ज्यादा होने की वजह से हर तस्वीर पर 40 वॉट एनर्जी खर्च होने लगा, तब नासा ने इसके कैमरे बंद कर दिए। तसव्वुर करें, अगर वॉयजर पर आज की तरह के ताकतवर कैमरे नस्ब होते और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती, तो इंसान इस वक्त फिजा से क्या कुछ देख रहा होता। ये वॉयजर से मौसूल होने वाली आखिरी तस्वीर है जो 1990 में भेजी गई थी। इसके बाद नासा ने इसके कैमरे ऑफ कर दिए ताकि बाकी मांदा एनर्जी सिग्नल भेजने के लिए इस्तेमाल हो सके। कार्ल सैगन इन वॉयजर्स को डिजाइन करने वालों में से एक हैं।
वॉयजर 1 से आखिरी तस्वीर भी इन्हीं के कहने पर लेकर जमीन पर भेजी गई। ये खलाई जहाज अपने वक्त के एडवांस तरीन इनोवेशन थे, यानी हम बात कर रहे हैं 70 की दहाई की, बल्कि इंसान की बनाई हुई वो पहली चीज जिसने फिजा में इतनी मुसाफत तय की हो, और अभी भी उनका सफर जारी है। वॉयजर 1 में 2 कैमरे नस्ब हैं जिसे उस वक्त कमाल महारत से बनाया गया था। आज अगर आप देखें तो शायद उसके पिक्सल्स या साख्त पर सवाल उठा सकें, मगर हम बात कर रहे हैं 1977 की, जब टेक्नोलॉजी इस कदर पेशरफ्ता नहीं थी। उस वक्त ये कैमरे एक इंसानी शाहकार थे। इसकी तस्वीरें 800x800 पिक्सल्स हैं, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा थीं, और कैमरे भी ब्लैक एंड वाइट में हैं। तब सवाल ये उठता है कि फिर वॉयजर्स की भेजी गई तस्वीर कलर क्यों हैं? ये एक राउंड पेज है जिस पर 5 मुख्तलिफ कलर के पर्दे लगे हैं। कैमरे से हर एक तस्वीर को 5 मरतबा लिया जाता है, और हर मरतबा ये राउंड पेज घूमकर कलर बदल देता है, यानी जमीन पर 5 मुख्तलिफ रंगों की तस्वीर पहुंचती हैं। जमीन पर ही इन 5 रंगों को मिलाकर एक कलर पिक्चर हासिल किया जाता है। इंसानी आंख भी इसी तरह काम करती है। इंसानी आंख पहले 3 रंगों रेड, ब्लू और ग्रीन को देखकर फिर इनके जरिए बाकी रंगों की पहचान करती है। अगर कॉस्मिक डिस्टेंसेस या कायनाती फासलों के हिसाब से देखें तो वॉयजर करीब ही मौजूद है। मौजूदा स्पीड यानी 17 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से वॉयजर को हमारे जमीन के करीब तरीन सितारे अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 40,000 साल ही लगेंगे। अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि चांद सितारे तोड़ लाना बस एक कहावत से ज्यादा कुछ नहीं। वहां उस सितारे पर पहुंचकर भी जो तस्वीर वॉयजर भेज सकता है, उस तरह की तस्वीर हम अभी भी जमीन पर रहकर मौजूदा टेलीस्कोप्स की मदद से खींच सकते हैं। वॉयजर की स्पीड कायनाती फासलों के हिसाब से बहुत कम है। मिलियंस साल चलते रहने पर ही वो जस्ट किसी ऐसे मदार में दाखिल हो सकता है जिसकी फिजा हमारे फिजा से मुख्तलिफ हो। लेकिन उस वक्त इसका जमीन से कोई राबता नहीं होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी। मगर ये नहीं कि वो कभी रुकेगा, वो चलता रहेगा नामालूम वक्त तक। लेकिन तब हम वॉयजर से बाखबर नहीं होंगे, यानी अगर वो गोल्डन रिकॉर्ड्स किसी के हाथ लग भी जाएं तो हमें पता नहीं चलेगा। सिर्फ उस सूरत में हमें इस चीज़ का पता चलेगा जब वो इस तरह आकर ज़मीन पर हमारे सरों के ऊपर खड़े हो जाएं, जिसका इम्कान बहुत कम है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले बाज हलकों की तरफ से इसकी मुखालफत भी हुई थी, ये कह करके हम खुद ही किसी इंतहाई ख़तरनाक क्रिएचर को अपनी तरफ मुतवज्जा करके अपने खात्मे के लिए राह हमवार कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए।